नमस्कार, न्यूज सेवन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमर राठी। आइए चलते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों की ओर। कहनला पुलिस ने बीती 5 तारीख को रोड होल्डअप कर किराना व्यापारी से की गई लूट का खुलासा किया है। लूट में प्रयुक्त तमंचा, चाकू, एक मोटरसाइकिल और लूटी गई नकदी सहित पुलिस ने लूट में शामिल 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लुटेरे पहले भी कई आपराधिक घटना को अंजाम देने के आरोप में जेल जा चुके हैं। एसपी श्यामनी ने लूट की वारदात का सफल खुलासा करने पर कहनला पुलिस को 5,000 रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की है। दरअसल जनपद श्यामली के कहनला थाना क्षेत्र के खंडरावली पुलिस चौकी से कुछ कदम की दूरी पर पिछले 5 जून को अज्ञात बदमाशों द्वारा किराना व्यापारी के लूट के बाद गोली मार दी गई थी, जिसमें व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया था। बदमाश घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए थे। घायल को गंभीर हालत में श्यामली के एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। एएसपी श्यामली ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली थी, तभी से पुलिस जांच में जुटी थी। कहनला पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि खंडरावली के जंगलों में 3 बदमाश लूट की योजना बना रहे हैं। कहनला थाना प्रभारी ओपी चौधरी ने टीम के साथ बदमाशों को मैं असला के साथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी तौसीफ, बिल्लू व राशिद हैं। सख्ती से पूछताछ के बाद तीनों ने 5 जून की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। पुलिस ने उनकी निशानदेही से लूटा गया बैग, जिसमें व्यापारी के आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस व जरूरी कागजात के साथ 27,000 रुपए बरामद किए हैं। वहीं लूट में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा, चाकू, मोटरसाइकिल व एक डंडा व अपराधी को फायरिंग के दौरान चोट लगने पर खून लगे उसके कपड़े भी बरामद किए हैं। एसपी श्यामली ने लूट की घटना का खुलासा करने पर कहनला पुलिस को 5,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। कहनला से न्यूज 7 के लिए नासिर अली की रिपोर्ट। 5 तारीख को थाना कांदला में खंडरावली गांव है, वहां रात 9 बजे के करीब एक प्रदीप नाम के व्यापारी जो कि अपनी दुकान बंद करके लौट रहे थे, तभी रास्ते में उनको रोक कर उनके साथ लूट की गई थी। इस लूट का सफल अनावरण थाना कांदला की टीम ने किया है। यहां पे जो 3 लोग आए थे, जो मौके पे थे, जैसा कि उन्होंने अपनी तहरीर में भी बताया था वादी ने, उन 3 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। मौके पे जब निरीक्षण किया गया था तो वहीं पे एक पेड़ की डंडी को तोड़ के रख के इनकी गाड़ी को रोका गया था। उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया था, तो वो डंडी रिकवर हो गई है। साथ ही साथ जो लूट में सामान गया था उसमें से 27,000 रुपये हम लोगों ने रिकवर कर लिए हैं। इसके साथ लूटा हुआ बैग, जो उन व्यापारी का बैग था, वो बैग रिकवर हो गया है। साथ ही अंदर जो कागजात थे वो भी हमें मिल गए हैं। इन अभियुक्तों से पूछताछ में इन्होंने बताया है कि पूरा प्लान जो है राशिद का था। राशिद पूर्व में भी इसका आपराधिक इतिहास रहा है। ये दिल्ली, हरियाणा और इसी जनपद के कैराना थाने से लूट में और अन्य अपराधों में जेल भी जा चुका है। इसके अलावा 2 और लोग थे इसके साथ, बिल्लू और तौसीफ। जो बाइक प्रयोग की गई थी इस पूरे घटना में, वो बाइक भी हमने रिकवर कर ली है। और साथ ही साथ वो तमंचा जिससे कि फायरिंग की गई थी वो भी रिकवर हो गई है। इस घटनाक्रम में जब गाड़ी को रोकी गई थी तो उसी दौरान तौसीफ ने फायर भी किया था और उस क्रम में इसके भी चोट आई थी, तो खून से लथपथ जो इसके कपड़े थे वो भी हम लोगों ने रिकवर कर लिए हैं। इसके अलावा एक अभियुक्त के पास से हमें चाकू भी बरामद हुई है। इस पूरे घटना का सफल अनावरण करने के लिए कांदा टीम को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इनाम 5,000 रुपये का इनाम भी दिया गया है और बहुत अच्छे से कड़ी मेहनत करते हुए इस घटना का सफल अनावरण टीम द्वारा किया गया।